बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, की हाल ने? ठीक हो? उम्मीद करना कि अल्लाह सोने के करम के फजल ना सारे ठीक ठाक हो। मैं भी ठीक हाँ अल्लाह सोने के करम के फजल ना। दोस्तों मैं आज भी थोड़े नाल कोई एक गल ही शेयर करनी है। गल तो बड़ी पुरानी है, वो इस तरह सबक मौत दुनिया के हिसाब न देखा जाए तो अजकल इको कुछ चलता पाया। इंसान सोचता कुछ होता कुछ है तो फिर इंसान अपनी सारी जिंदगी का खुलासा जोड़ा उस एक अमल के डाल देता है। गल कोई इन ने एक मंग बादशाह होया क्योंकि चैना के गल चैना के बादशाह जोड़े वैसे उन्होंने उस मंग बादशाह ही कहते उस दौर की गल है। एक ना गरीब आदमी आ बादशाह ने ना उस मतलब काम संतना च रहा एक पिंड रहा लेकिन वो एक गरीब आ बिल्कुल गरीब और वो सूफी बंदा जा इस वजह ने ना वो कुछ मतलब दूजा ना ख्यालात और कुछ और वो ना एक घोड़ा सी तो घोड़ा बड़ा ही खूबसूरत बड़ा आला दर्जे का नस्ली घोड़ा उन्हें ना बड़े शौक नाल उन्हें पालिया से क्योंकि एक चीज़ असली नस्ली भी हो शौक भी हो फिर बंदा मेहनत भी करता उन्होंने बड़े शौक न बड़ी चाहत ना रखता है। उन्हें ना अपने घर के नज़दीक ही एक छोटा जहा स्तबल बनाया उस घोड़े वास्ते जिद रखता रखिया क्योंकि आला दर्जे कोई भी चीज़ एक सोहनी हो चंकी हो तो मशहूरी बड़ी जल्दी हो जाती है कि आ फलाने को फलानी चीज़ है जी बड़ी जबरदस्त है। इस तरह ये तो घोड़ा से आ बड़ा बड़ा आले दर्जे का वो गल इस तरह फैलद्या फैलद्या बादशाह जरा वक्त बादशाह को गल पड़ी कि फलाना बंदा उस घोड़ा बड़ा जबरदस्त आला दर्जे का घोड़ा है। तो बादशाह ने जिसे सुनिया तो बादशाह ने कहा वा क्यों ना इस बंदे को घोड़ा जोड़ा ना खरीदया जाए। बादशाह अपने जोड़े हवारी ने वजीर ने जोड़े दरबारी होंगे ने उन्हें सारे नाल लिया वो उस पिंड उस बंद को टुर गया जिद को घोड़ा उस बंद को कहता है आए को सू घोड़ा दे सड़ा उन्हें क्या बादशाह सलाम के बाद मैं घोड़ा शौक ना रखे है तो मैं इन बेचना नहीं गल कि बादशाह से बादशाह भी जोड़े पुराने वक्त ने बादशाह होंगे जो बादशाह ने उन्होंने तुम अंदाजा ला लो जे अगलिया वक्त बादशाह है उन्होंने को फुल थ्रैद होंगे फुल जो चाहिए करने बंदे उन्होंने को डरते भी है लेकिन इस बंदे ने आखिया जी मैं ये घोड़ा नहीं बेचना ये अनमोल है यदा कोई मुल नहीं। बादशाह ने आख्या भाई इस तरह कर तू सू घोड़ा दे दे असा तेन मुँह मंगे रकम दया दे मुँह मंगा जो भी मंगे ना सी तुम दया दे गल कि वो बादशाह ने जिसे आख्या तो उन्हें आख्या नहीं जी मैं तो घोड़ा नहीं देना ये अनमोल है मैं बेचना नहीं मेरा शौक ना रखिए। बादशाह ने तगड़ा आख्या कि मैं तेन एक जी ना अपनी सल्तनत हो तुम दे सकना तो घोड़ा दे सा तो ना मनिया इस तरह सौदा होंदया ना नौबत इस जगह तकड़ा गई कि बादशाह ने कहा कि मैं तेन अपनी अद्धी सल्तनत जी ना वो दे सकना तुम मनु घोड़ा दे वो बंदा सी जरा उन्हें आख्या जी कि यह अनमोल है मैं इनू बेचना नहीं इसकी कीमत है ही कोई नहीं। बादशाह ने उस बंदे कहा भाई तू सोच लै अभी सल्तनत तुम देने पे तो एक घोड़ा तू सब दे सकते ये बदले अभी सल्तनत तुम देने पे सोच लै इस माड़ा नहीं उन्हें एक गल की उन्हें आख्या बादशाह सलाम मैं घोड़ा नहीं बेचना। बादशाह ने कहा तेरी मर्जी वो टुर गया इस वे गया तो बाद ना वो जे पिंड बंदे वो सुनते पे सारी गलबात वो जिस बादशाह टुर गया तो पिंड बंद गया वह तू के वड्डा बेवकूफ और जीवन जहल बंदा है एक कार आई यानी कि काम कुछ नसीबी ने तू टकराता है तेन मतलब अद्धी बादशाही लभदी ही भी अद्धी सल्तनत लभदी ही भी तू अगर लहरी सौदा कर घोड़ा दे सकती असी तू इस पिंड का जोड़ा वो बादशाह होना सी तू साड़ा सारे का बादशाह होना सी पिंड ने भी मते करने मते हो जाने ते तेरे भी मते हो जाने ते तू जड़ा ना बड़ी बड़ी बेवकूफी की है तू ए बेवकूफी है वो इस तरह कर के ना वो जितने की लड़न वाली गल है किसी इस तरह कहना वो कह क्योंकि बंदे सारे अपने अपने घर गए
जैसे घर तो अगे तो अगों कुछ दिन इस तरह गुजरे कुछ दिनों तो बाद वो बंदा सवेरे सुबह के टाइम पर उठता है घोड़े को अपने वो चारा चूरा पाने वास्ते पट्ठे कह लो पाने वास्ते जिसे अस्तबल से जाता है तो वेखता है तो अस्तबल च घोड़ा को नहीं। इस गल की जी ना ये गल वो पिंड हो गई कि घोड़ा जरा किसी ने लै गया कोई भुल गया या कि नस गया ये तो हम किसी नहीं पता लेकिन ये बंद ने आख्या जी कि साढ़ा तो घोड़ा पाया जी उसे बंदे आए तो बंद ने आख्या भाई साढ़े तो पिंड का ही गुस्सा ना आ ये भी गुस्सा तो चीज़ ही साढ़े पिंड की जड़ी जाती रही है ताया होगी है तो इन हो गया तेरी बड़ी बदनसीबी है क्योंकि तुम्हें तेरे नाल बादशाह तुम इन्नी रकम दे रहा सी अभी सपना दे रहा तू उस ना दी आज तेरा घोड़ा ताया हो गया तू बड़ा तेरी बड़ी वही बेमनी कि बदनसीबी है। वो बंदा कहता यार मेरी ये बदनसीबी कितों आ गई एक गल है एक वाकया है मेरी जिंदगी बहुत वही है तो ये तो ये घोड़ा है कि इस जिंदगी का एक हिस्सा अगर तुर गया तो उन्हीं का ही मतलब है कि मेरे की मेरी बदनसीबी हो गई है। चलो वह कहना भाई थोड़े लोगों की मनों तो समझ नहीं आई तुम सारी जिंदगी दे उत्ते एक छोटे जे हिस्से एक गल न सारी जिंदगी दे उत्ते लपेट देंगे दिला के तो कहते फलाना हो गया जी गल जी कि इस तरह ना कुछ दिन गुजरे तकरीबन महीना एक महीना तो दस ग्यारह दिन वो घोड़ा जड़ा ना वो वापस आ गया जिस घोड़ा वापस आ गया तो घोड़े के नाल घोड़े ने ना ग्यारह जंगली जोड़े घोड़े है ना वो नाल घोड़ा वापस उस बंदे घोड़े आ गया अस्तबल उस बंद जिस घोड़ा अपने अस्तबल से देखा तो वह बड़ा खुश हो खुशी की इंता नारी कि मेरी मतलब इस तरह की चीज़ जी वो अपने आप ही वापस आ गई है तो वो जिस बंद भी पता लगा तो बंदे भी आ गए बंद ने आख्या वाह जी वाह तेरी बड़ी वाह खुश नसीबी है तू बड़ा खुश किस्मत है कि जिन्हों इस तरह की चीज़ मतलब घोड़ा वापस आ गया तो वो जो ग्यारह घोड़े नाल लैके आया ना वो भी इसे आला दर्जे के आला नस्ली घोड़े तो बड़े खूबसूरत सारे यदि कि कह लो वादी वाद बंद ने जिसे वेख्या तो बंदे तो शाबाश देने लगा तेरी खुश नसीबी है। वो कहता है भाई मैं समझ नहीं आती हूँ तुम कहते हो बे मेरी खुश नसीबी है घोड़े हो जाए तो यह भी एक जिंदगी का हिस्सा है घोड़ा टुर गया थी वो भी एक जिंदगी का हिस्सा है हूँ घोड़ा वापस आ गया है ये दस ग्यारह घोड़े नाल लाए है ये भी एक जिंदगी का हिस्सा है पूरी जिंदगी तो नहीं वो जिस घोड़े जोड़े आए घोड़े ने नाल लियादे इन्होंने मतलब इस बंद ने कि एक बेटा से कला ही बेटा से खलौता ही इन्होंने ना उन्होंने घोड़ियां रसाई से पा के ना तो उत्थे ही ना खिलवा दिता हूँ ये सोचने लग पे क्योंकि भाई जे जंगली घोड़े ने उन्होंने सिखाना या उन्होंने सामना तो बड़ा औखा होंगे क्योंकि वो जंगल से आदि होंगे ने तो वो तो फिर किसी आगे ठहर के लगते हैं उस बंद का जोड़ा खलौता बैठा ना वो कहता जी कि मैं इन्होंने सिखावाना तो ये इन्होंने दारा का उन्हें एक घोड़े से रस्सा सटिया उन्होंने फाड़ के तो उन्होंने लगाम पाई लगाम पा के तो उसे फ्या फ्यू पा के उत्ते बह गया वो लै गया जंगल च उत्ते जाके तो उन्होंने फेरे शेरे लवाए उन्होंने भजाया दौड़ाया जंगल के फेरे लवाए तो वापस लै गया। अगले दिन फिर उन्हें यह कोई अमल किया जिसे वो जंगल च गया तो उत्थे उहदा ना बेटा टह पिया घोड़े जिस घोड़े तो टह पिया तो वो लत टुट गई लत टुटी जिस वे उसे मतलब जैसे एक बंदा किसी चीज़ को टहन दिया कोई आसार फ्रैक्चर हो जाता तो बंदा फिर तकलीफ तो इंतजारी होंगी है वो ना उसे तड़पता पाया तो बंदा ने जिसे वेख्या ना भाई यहाँ तो बलौता बैठा है तो घोड़े तो डटा है कि लत भी टुट गई है तो उन्हें तड़पता पाया बदल वह बाप से जरा उन्हें चुकया कर लैन का कुछ दिन गुजरे तो जोड़ा बादशाह से ना यदि एक अपने ना किसी मसाए बादशाह नाल ना जंग शुरू हो गई जिस जंग हो गई तो बादशाह को फौज ही वो जंग शुरू होने नाले तो तूल पाड़ गई वह लंबी हो गई बड़ा असर जंग हो गया बादशाह ने ना अपनी फौज जी ना वो घाट महसूस नहीं उन्हें आख्या भाई ना पैरती करो बार जी फौज है ना वो देखना से पैरती करो वो बंदे उन्हें आख्या भाई जोड़ा अपनी मर्जी ना हो गई तो जोड़ा इन्हें ना हो सारे उन्हें जबरी शक ना कुछ बेचना भर्ती करके लै हो जाते जिस बादशाह ने हुक्म किया अपने वजीर वो जोड़े मनादी होंगे जोड़ा मतलब उस वे बटोल से वो हों इस तरह का ही वो वजा के सारा ही लाण चढ़ गया
ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਨਕਾਰਾ ਵਜਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੈਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੜਿਆ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬੈਦੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲੱਤ ਭੱਜੀ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਕਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਸਤਾ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਫਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਬੇਟੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਾ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਦਨਸੀਬੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾਸਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਤਰਿਆ ਰਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਖਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ, ਵਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਪਿੱਟਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਟੁਰ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਘੋੜੇ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਮੈਂ ਚਾਹਤਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।